हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो वर्ड फाइल जो पीपीटी फाइल्स होती है उनको हम मर्ज किस तरीके से करें। तो इस वीडियो में देखना लास्ट तक, हम आपको बताएंगे सारी डिटेल्स के। जो पीपीटी होती है उनमें जो स्लाइड्स होती हैं उसको हम दो फाइलों को हम एक फाइल में किस तरीके से मर्ज करें, ये हम आपको बताएंगे और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक पीपीटी की फाइल ओपन कर लेनी है। पीपीटी की ये हमारी फाइल ओपन हो जाती है। जैसे कि फ्रंट पेज हमारा दे रखा है आरबीएस इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस बिचपुरी आगरा। तो ये हमारे स्लाइड्स है, ये हमारी पहली स्लाइड है और ये हमारी दूसरी स्लाइड है। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें फाइल को ऐड किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट पर क्लिक कर लेना है, जो इंसर्ट लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट दे रखा है, इंसर्ट पे क्लिक कर लेना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये रीयूज स्लाइड का ऑप्शन दे रखा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमें जो राइट हैंड साइड पे हमें ब्राउजर का जो फीचर्स दिखाई दे रहा है उसको हमें ओपन कर लेना है और इसमें हमें फाइल को जो हमें मर्ज फाइल करनी है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमें सीएनसी लेथ की जो फाइल है उसको हम सेलेक्ट करके इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारे राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारी स्लाइड्स आ जाती हैं। ये हमारी सीएनसी लेथ की स्लाइड हैं और ये हमारे जो पहली पीपीटी खुली हुई थी उसकी स्लाइड्स हैं। तो इसमें अगर हमें ऐड करना है तो इसमें हमें नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सेलेक्ट कर रखा है कि ये एक लाइनिंग आ रही है फर्स्ट स्लाइड के नीचे। तो इसमें हमें इस तरीके से हमें इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे लेथ मशीन का डायग्राम आ जाता है, ये हमारे स्लाइड नंबर 2 हो जाती है। इसमें इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। अब ऐसे इसी तरीके से हमने जो तीसरी स्लाइड है वो हमने फिर मर्ज कर दी, ये हमारे तीसरे नंबर पे आ जाती है। और इस तरीके से हम स्लाइड को ओपन कर सकते हैं और जो हमारा बैकग्राउंड वगैरह होगा वो कुछ चेंज नहीं होगा, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस हमारा जो स्लाइड्स है वो हमारा इस पर पेस्ट हो जाएंगी और इसको हम मर्ज कर सकते हैं और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।